सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी सभी को, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं सभी। मैं संतोष कैलाव स्वागत करती हूँ आपके अपने एस जी ब्लॉग्स एंड टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। जिस तरह दो रक्षाबंधन हुई थी, दो ही जन्माष्टमी होगी, दो दो त्यौहार होते हैं इंडिया में हर एक। पर बाकी बिहारी मंदिर वृंदावन वाले और मथुरा वाले आज ही 7 तारीख को ही मना रहे हैं, औरों ने वैसे 6 को मना लिया था, पता नहीं ये क्या है। तो फिर मैं एक्सरसाइज करने के बाद लगी थी अपनी पौधों में फर्टिलाइजर डालने, उसमें कई चीज़ें मिला ली थी, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, कईयों का कॉम्बो है, तो वो मिलाकर नरमा उसमें पानी देने लगी थी। टाइम हो गया 7 बजने में, 10 मिनट रह रही हूँ, काम सारा कर दिया मैंने, मेरा जो था पौधा ले आए थे नर्सरी में तो उनके ख़त्म हो रहे थे, उसने वैसे ही दे दिया था, और वो फरी का था, चल ही नहीं रहा, वो लगाना था, रखा ही रखा, सूखने लग रहा है, उसने या तो वैसे दे दिया था, ज़्यादा पौधे ले आवा थे तो मैं यूँ घूमा, मैं फ्री का नहीं चलता ना, पैसे दे के चलो वो लगावो, वो तो कम से कम चल जाता है, वो अपने आप ही रखने रखे रखे मुरझाने लग रहे हैं। शाम को देखूँगी इसको, शाम को लगा के जाती हूँ। तो हुए हैं बिल्कुल, आँख भी नहीं खुल रही है, यही महीना तो रहेगा इनकी चमक सूरज महाराज की। टाइम तक मौसम सही होता है, सही ठंडी ठंडी, बेशक चमक सी है ना, अभी ठंडी लग रही है छत पर, चलते हैं 2 घंटे लग जाते हैं छत पर, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, कुछ एक्सरसाइज कुछ ये पौधे वाले काम। फिर से ब्लॉक में कैमरा लगा के ने अशोक सब्जी सब्जी सारी बना दी, बीच में दूध वाला आ गया ना, कॉफी उसको करके चली गई, सब्जी बनाने के बाद ध्यान आया कैमरा ऑन नहीं है, तो अब देखा कैमरा ऑन है या नहीं है, वैसे चल रहा है दूध ले चली गई, कैमरा अपना चलने लग रहा है, कोई वीडियो नहीं बनाई, खाली अपना वो डिलीट करके मैं अब दोबारा स्टार्ट करने लगी, दोबारा से कैमरा ऑन कराया। कई दिन हो गए थे, याद आ रही थी ढोकले की, तो मैं लगी थी फिर ढोकला बनाने, ढोकले का बैटर लेकर नर उसमें पानी डाल के नर मैंने एक सी साइड में 10 मिनट घुमाया था, तो 10 मिनट घुमाने के बाद उसको फिर 10 एक मिनट के लिए एक साइड में रख दिया था, तो और लगी थी फिर प्रिपरेशन करने, दोबारा फिर थोड़ी ही देर घुमा कर ना, और एक थाली में फिर घी लगा कर ना चारों तरफ से उसमें बैटर को डाल दिया था, और साथ में मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया, हथौड़ी को टैप करके ना, फिर मैंने कढ़ाई में रख कर और उसको ढक दिया था 20-25 मिनट के लिए, 20-25 मिनट के बाद ढोकला बहुत बढ़िया बना था। वेलकम बैक, फिर से टाइम हो गया 11:05 रह रहे हैं, अभी ललिता नहीं आई है, और किसी का करने चली गई, कोई इमरजेंसी होगी मैं सब, कोई बात नहीं, फ़ोन आ गया था उसका, दीदी मैं लेट आऊँगी थोड़ी ही, तो किसी के कुछ गेस्ट आने होंगे तो उन्होंने बुला लिया पहले, तो मैं कोई बात नहीं करा, तो मेरा बाद में करती है, ऐसे सेटिंग हो जाती है ना बीच में, कभी मेरे को जरूरत हो मैंने पहले जाना, मैंने कहीं जाना हो तो मैं बुला लेती हूँ, ऐसे ऐसे एक आध बार तो कर लेते हैं, डेली नहीं कर सकते ना, अपना टाइम जो होता होता ना, तो ये 12 बजे 1 बजे तक भी ना आए। तो मैंने बनाया था ढोकला, ढोकला बहुत अच्छा बना हुआ है, अब उसमें लगा देती हूँ मैं तड़का, ठंडा भी हो गया, अब इसको दूसरे उसमें प्लेट में पलट के और इसको कट करके ना तड़का बना देती हूँ, इतना वो आ जाएगी, बहुत तो अच्छा और स्पंजी है, दे इस तरह थाली में से ना अपने आप ही उठ गया था, अपनी जगह आप छोड़ गया, 10 मिनट बाद ठंडा होने के बाद आराम से हाथ से उठाया गया, और फिर उसको मैंने अपना पीस में काट दिया था, और साथ में मैंने तड़के की भी तैयारी कर दी थी, राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाल चीनी डालकर न, ये बन गया ढोकला हमारा। बेटे ने कहा था कम मीठा रखना, कोशिश करी है कम मीठा रखने की, थोड़ा सा पानी और चाहिए, और मना भी कर रहा है डालने से भी मना कर रहा है, इसमें चीनी वाला पानी से और वैसे कैसा है कम है, तो मैंने जिस हिसाब से बोला था उसी हिसाब से डाला था, नहीं पानी तो काफी है जो तड़के वाला, तो सोख तो कर ही जाता, फिर वो जरूरत से ज्यादा यूं करने लग जाता है। एक पीस अपने माँ को दिया है, बानू बली बनने भी खाना है, राजमा है, रोटी दे दी उसको है, राजमा राजमा भी नहीं, लाइट गई हुई है हमारी ना, तो माइक्रोवेव में चीजें गर्म हो जाती है, लाइट जाने के बाद ये और दिक्कत हो जाती है, खाना बनाते वक्त लाइट भागती है ना, जब बड़ी मुश्किल होती है, क्यों एक आध चीजें होती हैं जो बचा हुआ मन कर जाए खाने को, और वो माइक्रोवेव में सही गर्म हो जाता है ना, तो फिर वो गैस पर फ्राई पैन में ही करनी पड़ा है, और काफी देर होगी लाइट को गई हुई, 2 घंटा सारा हो गया।
के हिसाब का बन गया, ज्यादा चीनी वाला पानी नहीं मिलना ना, ढीला ढीला नहीं होया। फिर से टाइम हो गया है, 4 बज गए, 4:15 हो रहे हैं। एक आध बार तो वैसे इतनी नींद आती है, और एक आध बार 5 मिनट की एक झपकी हो गए मैं, और टाइम काटना मुश्किल हो जाता वो 1-2 घंटे। और फिर क्या तो काम करें सारा दिन, यूँ सोचते हैं 1-2 घंटा तो रेस्ट करें लेटे, और लेटे लेटे फिर यूँ ही है, किसी की वीडियो देख लेना, कुछ कर लेना, कुछ अमेजोन पर देख लेना, सोशल मीडिया पर यूँ ही घूमता रहना पड़ा है। फिर 1-2 घंटा रेस्ट का टाइम होता है, थोड़ा लेटना अच्छा हुआ ना आदमी, फिर यूँ सोचा हाँ भाई सो ले, थोड़ा हाँ नींद आ जाए, सुबह जल्दी उठते हैं तो वह बात हो जाती है। एक आध बार तो इतनी गहरी आती है तो जाग ही नहीं आती, और एक आध बार 5 मिनट की एक झपकी ही आती है, तो उसी टाइम फिर वो टाइम काटना मुश्किल हो जाता है, क्यों फिर औरों को डिस्टर्ब करना हुआ है ना, फिर कुछ ना कुछ करता रहता रहना, तो फिर नहीं कहेंगे हमारे को नहीं सोने देती। ऐसी हालत है कि बहुत चमक वाली धूप निकली हुई है, बहुत चमकारे वाली निकलती है आजकल तो। अब भी दिखा दूंगा तो शीशे में हुई चमकारे लगने लग रहे हैं, एकदम बाहर की तरफ आंखें खोलते हैं ना तो आँख करते हैं मुँह करें तो आँखें नहीं खुलती, सीधी आँखें बंद ही होती है, इतनी तेज निकलती है। 4:15 के करीब होने लग हो रहा है। वैसे थोड़ा सुबह तो मौसम सही होता है, दोपहर को फिर इस टाइम से ये तो शाम को भी गर्मी हो जाती है, जैसे हम सैर शुरू करने जाते हैं। तो मेरी चाय भी बन गई है, बॉयल उबल गई है, उफान आ गया है पूरा। मसारिया क्या था हल्ला है आज, मसारिया हल्ला है यो। अच्छा, और गर्दन भी हल्ला, हाथ भी हल्ला, औरत है भी हल्ला। सारा शरीर रे आला था। अच्छा कितना अच्छा, नन्नू सारा याला हां नागरी अल्लाह का दिवे काल की इसका है दिक्कत। राम ने कहा मतलब दिक्कत है ना, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ। सफर इसके बस का रह नहीं रहा, सफर ये करती है हमारे साथ, जाती है गांव में जाना हो उसी दिन आके नर लुढ़कती है। ये भी 2-3 दिन के नाम की होगी, आज सारी रात नहीं सोई, कल आते हैं ना, मैंने मुश्किल से ही चावल दिए थे, राजमा चावल बने थे तो इसने मुश्किल से ही खाए थे, मना करे थी मैं नहीं खाती थी, मैं खाले खाले सुबह एक रोटी खा के निकली थी, तो चावल थोड़े है इसने खा लिए थे, फिर शाम ने भी इसने एक रोटी खाई थी। आज भी आज सुबह मैं इसने सैर करने भेजा करूँ, मजा लगा के 2-4 राउंड गली में, तो सुबह नहीं गई, तो आदमी का यूँ पता लग जाए ना या डाउन है, तो दिन में भी जितनी बार देखें बैठ बैठी बैठी हो, मैं सुनती नहीं, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो सोए नहीं, अपने न्यू बैठी रहो, उल्लू की तरह बैठी रहो ना, तो सारा दिन सोया करे ठीक हो तो पूरा दिन सोती है। तो अब भी मैं तू ठीक नहीं है ना, मैं तो ठीक हूँ, ठीक खा रही हूँ, ठीक पी रही हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो उन चीज़ों को यूँ मान के नहीं दे खा मेरा, बिल्कुल जो ज़्यादा हो लेगी ना जब यूँ को बैगी खा मेरा दिक्कत है, दिखा लाओ मैंने हम कल से लग रहे हैं, इसने कहने मैं तू डाउन लग रही है ना, ठीक हूँ ना ठीक हूँ, देखते हैं हम भी बार बार टोकते रहेंगे, मैं तो ठीक नहीं है थका करके, जब इसका ज़्यादा होगा ना तब बोलेगी है इसके पर, यूँ कहना नहीं चाहती कि हाँ मेरे दिक्कत है, कल बोलेगी अब कल ज़्यादा हो जाएगा ना, जब कहेगी बेटा दिखा लिया मैंने ज़्यादा हो जाओगा, जब बोलेगी जब इसका यूँ हो जाओगा कदम मर जाओ ऐसा। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।